सो हेलो गाइज, मैं हूं संदीप और आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप भी अपने मोबाइल पे काफ़ी फ्रेंड का फेसबुक आईडी सेव करके रखें, जब यहां टाइप करते हैं तो भी यहां पर उसका आईडी और पासवर्ड दिख जाता है, यहां पे क्लिक करने के बाद भी उसका फेसबुक आईडी दिख जाता है। अगर चाहते हैं इसे हटाना परमानेंटली सो कैसे हटा सकते हैं और ये जो सेव होता है ये कहाँ पर सेव होता है इसे पता करना है तो इस वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखें। सो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैनेज और गूगल अकाउंट के ऊपर टैप करना है। थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा और उसके बाद नीचे यहाँ पर पासवर्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको इसके ऊपर टाइप कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको पासवर्ड को फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस वेबसाइट का पासवर्ड आपने सेव करके रखे होंगे वो सारा का दिख जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी वेबसाइट का पासवर्ड सेव है। आप चाहते हैं तो यहाँ पर फेसबुक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड जो भी होगा मोबाइल पासवर्ड उसे आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर सारा जितना भी आपका मोबाइल पर लॉग इन फेसबुक है सारा का नंबर आईडी पासवर्ड सब कुछ दिख जाएगा। तो गाइज यहाँ से आप चाहते हैं तो किसी का भी कॉपी कर सकते हैं पासवर्ड को और लॉगिन भी कर सकते हैं, उसका देख भी सकते हैं। अगर चाहते हैं इसका डिलीट करना, मान लीजिए मुझे इसे डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक किए तो यहाँ से हट गया, तो फेसबुक से भी हट गया होगा। सो इसी तरह से अगर आप अपनी डिवाइस की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो फेसबुक आईडी काफ़ी ज़्यादा हैक हो रहा है फ्री फायर के चलते। सो आप बी केयर और सिक्योरिटी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।